सर हमें फोर हमारा फोर्थ डे है नो सर कोई हमारे पास नहीं आया हमारे दर्द को देखने हमारे आंसू देखने हम भूखे हैं प्यासे हैं हमने कुछ खाया भी है कोई नहीं आया हमारे पास वोट मांगने ये जैसे आते हैं ना घर घर जाते हैं ऐसे ये हमारे पास नहीं आए कि आपको प्रॉब्लम क्या है कोई सुनने नहीं आया है नहीं जैसे कि अभी आपके पास आप बता रहे हो कोई सुनने के लिए नहीं आया अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका ऐसा चलता रहा तो हम में से एक एक करके सब मर जाएंगे फिर घर तो कोई जाएगा नहीं भूखे प्यासे एक इंसान क्या कर सकता मर ही सकता है ना और क्या हम भी मारने की कोशिश में है तो हम ऐसे ही मर जाएंगे और क्या हो सकता है आप ही बताओ ना और क्या हो सकता है हमारा हमारी जेन्युइन सी डिमांड है कि हमें रिटर्न ऑर्डर दिया जाए कि आपकी जो पोस्ट है वो फ्रीज है बस हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे हम चुपचाप अपना काम कर रहे हैं अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं लेकिन ये हमारे सुनते ही नहीं है एसी कमरे में बैठ के सिर्फ हाँ ना ये भी नहीं करते हैं कि अपनी खिड़की से ही हमें देख लें देखिए एलजी साहब ने पिछले साल एक इंटरव्यू दिया उसमें बोलने लगे कि आप जाके ब्यूरोक्रेट से मिलो आपकी फाइल प्रोग्रेस में है आपको इंसाफ दिया जाएगा हम डेढ़ साल से इस ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि हमारा ऑर्डर मिले जब भी हम जिस ब्यूरोक्रेट के पास गए जिस ऑफिसर के पास गए उन्होंने हमें यही बोला कि आपको इंसाफ मिलेगा आपको जस्टिस होगा तो ये होने के बाद में आज इन्होंने क्या किया हमारे पोस्टें फ्रीज जो थी उनको डिफ्रीज किया गया तो हमारी एक ही मांग है जो फ्रीज से डिफ्रीज इन्होंने किया है उनको फ्रीज में ही रहने दीजिए जब तक वो ऑर्डर नहीं रिटर्न में आता हमें कि उनको फ्रीज में रखा गया तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और प्रोटेस्ट में हम रहेंगे तब तक हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं रहेगा Justice! 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 Just